पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का घोटाला। सीबीआई की दूसरी एफआईआर से बड़ा खुलासा, एनडीए राज में 5,000 करोड़ का घोटाला। घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी विदेश भागे। विदेश मंत्रालय बोला नीरव मोदी कहां है इसकी जानकारी नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 5,649 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इनकम टैक्स ने नीरव और पत्नी एमी की 29 अचल संपत्तियां जब्त की। नीरव मोदी परिवार के 105 खाते इनकम टैक्स ने सीज किए। मां घोटाले की हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ के पीएनबी घोटाले पर सीबीआई की दूसरी एफआईआर में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। सीबीआई की एफआईआर में 5,000 करोड़ का घोटाला 2017-18 का बताया गया है। एबीपी न्यूज के पास सीबीआई की एफआईआर की वो कॉपी भी है जिसमें इस बात का जिक्र है। हमारे संवाददाता, सीबीआई संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले में से क्या 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला एनडीए राज में हुआ है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में दर्ज दो एफआईआरों में साफ तौर पर लिखा है कि एलओयू जारी करने की डेट साल 2017 है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि ये एलओयू साल 2017 में जारी किए गए और साल 2018 तक के लिए ये एलओयू जारी किए गए थे। मेरे हाथ में जो आप इस समय देख रहे हैं ये सीबीआई की उसी एफआईआर का हिस्सा है और आप इसमें देख सकते हैं कि एलओयू जारी करने की जो डेट है वो साल 2017 लिखी गई है। यानी सीबीआई ने फिलहाल अपनी एफआईआर में कहा है कि ये 5,000 करोड़ का घोटाला जिसमें 280 करोड़ और 4,886 करोड़ शामिल हैं, ये घोटाला एनडीए राज में हुआ है। हालांकि सीबीआई सूत्रों का इस बारे में कहना है कि इसमें से काफी हिस्सा रोल बैक का भी हो सकता है। रोल बैक उसको कहा जाता है जिसमें बैंक ने पिछले सालों में एलओयू जारी किया हो लेकिन ये एलओयू लगातार एक्सटेंड कराया जाता रहा हो, यानी एक साल से दूसरे साल में जाता रहा हो और फिर उसकी धनराशि आगे के सालों में ले ली गई हो। फिलहाल सीबीआई ने जो अपनी एफआईआर अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है उसमें साफ तौर पर कहा है कि साल 2017 में ये तमाम एलओयू जारी किए गए हैं। इस मामले में जांच एजेंसियों ने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ और दस्तावेज भी मांगे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।